इस पैटर्न पे हम चल के देखते हैं, इशू आए या कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज इस हवाले से पहला ही मामला होगा, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि आप लोगों को इस चीज़ से आप कितना हम आहंग रहते हैं। इंटरनेशनली तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, स्टूडेंट्स पसंद भी करते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों क्या होगा। तो बात हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से की थी। हाइब्रिडाइजेशन या मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो आपने मुझे बनाकर एक स्ट्रक्चर बताया मीथेन का, तो ये क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज अ फेनोमेना जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, इसमें नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। और अच्छा, ये जो न्यू ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी खासियत क्या होती है? जो न्यू ऑर्बिटल्स होते हैं, ये न्यू ऑर्बिटल्स, इनकी खासियत क्या होती है कि ये न्यू ऑर्बिटल्स एक तो सेम एनर्जी के होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये न्यू ऑर्बिटल्स सेम शेप के होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से? सवाल ये है, देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग में, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम क्या कहते हैं कि बॉन्ड कब बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम ये बताते हैं स्टूडेंट्स को कि बॉन्ड कैसे बनता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वजह होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग में बॉन्ड बनने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो जाना वजह होती है बॉन्ड बनने की। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, एच टू मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1s1, वी ऑल नो दैट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1 होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर दो एटम हो हाइड्रोजन के, मेरे पास दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है, शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से एक और बना लेते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस, शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बॉन्डिंग होती कैसे? जब बॉन्डिंग होती है तो ये वाला जो एटम है, ठीक है, ये वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और ये वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और इस शेयरिंग के नतीजे में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही शेयर नहीं होते, बल्कि जिस शेल में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये शेल भी शेयर हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इस एटम में भी रिवॉल्व कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इस एटम में भी रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी अपने शेल को स्टेबल करने के लिए, दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, सही। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन अब दोनों ही एटम्स के शेल में बराबरी से रिवॉल्व कर रहा है। मैं इस बात को, अच्छा यहाँ तक की बात मेरी समझ में आई? अभी तक जो भी बात मैंने की है, इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को है तो पूछ ले। सर, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो जस्ट एक स्टेप आगे और चलते हैं। अच्छा चलो, बॉन्डिंग हो गई। अच्छा, अब देखो ये बात तुम लोग जानते हो, चैप्टर 1 तुम लोग सेकंड ईयर का पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 में पढ़ चुके हो कि एटम में इलेक्ट्रॉन शेल में नहीं होता बल्कि शेल के, जी आयशा बेटा आपने हैंड रेस किया, बोले आयशा बेटा कुछ कह रही है? माइक पे बोल दो। हाइड्रोजन वाला वापस समझा दूं? अच्छा
मैं ये कह रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में असल में समझा रहा था, कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, दो एटम बराबरी से अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो हाइड्रोजन की बात मैंने एक एग्जांपल दी कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम, दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, H2 फॉर्म होता है। तो अब हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 है, दूसरे की भी यही है। स्टेबल होने के लिए जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन चुका होगा जिसे हम शेयर्ड पेयर कहते हैं, ये जो शेयर्ड पेयर होगा ये दोनों एटम्स में बराबरी से रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा देखो, मैं जब ये कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये दोनों जगह पर बराबरी से रिवॉल्व कर रहा होगा, तो इस बात का क्या मतलब निकलता है, इस बात से क्या अंदेशा निकलता है, तो इसकी जरा सी कुछ बात कर लेते हैं। दोनों एटम में बराबरी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब देखो, अगर दो एटम्स मेरे पास सिर्फ एक दो सर मतलब एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं अलग अलग, तो क्या इन दोनों का इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है, लाइक मतलब शेयर्ड पेयर बन सकता है इनका, इज दैट पॉसिबल? देखो, शेयर होने के लिए जरूरी क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों। अगर इन दोनों के दरमियान कोई जोड़ नहीं है तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक आपस में जुड़ नहीं सकते, सिंपल सी बात है। अब अगर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ रहे हैं, यानी कि शेयर हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि दोनों एटम्स आपस में अपने शेल्स को भी शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जो बात कही आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बेटा सिर्फ एटम का शेल ही शेयर नहीं होता, बल्कि आपने फर्स्ट ईयर में और इस चैप्टर में सेकेंड ईयर के चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। तो आप मुझे शायद जवाब दें कि सर एटम में इलेक्ट्रॉन शेल में होता है। मैं कहूँ कि शेल में कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे सर शेल में सब शेल होता है, एटम वहाँ होता है सर, इलेक्ट्रॉन सब। मैं बोलूँ बेटा सब शेल में कहाँ होता है, तो आप मुझसे कहेंगे कि सब शेल में सर ऑर्बिटल होता है और इलेक्ट्रॉन वहाँ होता है। ये ऐसे ही है बेटा, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप कहाँ होते हैं, कोई आपसे पूछे, कोई मुझसे पूछे किसी भी एक स्टूडेंट का नाम लेकर कि ये कहाँ होते हैं साहब या साहिबा, तो मैं कहूँ कि ये कराची में होते हैं, सही है, मैं कहूँ कि ये कराची में होते हैं, सही है, गलत तो नहीं कह रहा, सही कह रहा। अच्छा, फिर वो मुझसे पूछे कि भाई ये कराची में कहाँ होते हैं, मैं कहूँ कि भाई ये कराची में फेडरल भी एरिया में होते हैं, फेडरल भी एरिया कराची का एक एरिया है, ये वहाँ होते हैं। अच्छा, अच्छा अब आप बोलेगी कि वो सवाल करेगी ये फेडरल भी एरिया में साहब या साहिबा कहाँ होते हैं, तो सर ये फेडरल भी एरिया में एक अपार्टमेंट है, रिलैक्स अपार्टमेंट, ये वहाँ होते हैं, ठीक है, फेडरल भी एरिया में एक अपार्टमेंट है, रिलैक्स अपार्टमेंट, ये वहाँ होते हैं, उसका फ्लैट नंबर XYZ फ्लैट नंबर है उसमें ये होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जब आप एड्रेस बता रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस भी तो डिटेल बता रहे हो ना, कहने का मकसद ये है कि अगर कोई ये कहे ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है और बोले कि शेल में होता है, तो उसने सिर्फ अधूरी इंफॉर्मेशन दी, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी। फिर कोई कहे कि सब शेल में होता है, तो उसने अभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, अधूरी इंफॉर्मेशन दी है। हाँ, जब वो शेल, सब शेल और ऑर्बिटल सब बता दे तो उसने फिर पूरी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? यानी कि जो शेल, सबशेल और ऑर्बिटल वाली कहानी है ना, ये ऐसी है कि आप कहाँ रहते हैं भाई, कराची में कहाँ रहते हैं भाई, फेडरल एरिया में कहाँ रहते हैं भाई, रिलैक्स अपार्टमेंट ब्लॉक 20 में जो है वो एक फ्लैट है, रिलैक्स अपार्टमेंट उसमें रहते हैं। तो आप अगर आपसे कोई आपके घर का एड्रेस पूछेगा तो आप अपने एड्रेस में उसको सिर्फ ये तो नहीं बोलेंगे ना कि आप कराची में रहते हैं, एड्रेस तो आपको प्रिसाइज करके बताना पड़ेगा भाई, आपको अपना मकान नंबर भी बताना पड़ेगा, आपको अपना मोहल्ला भी बताना पड़ेगा, आपको अपना जो है वो शहर भी बताना पड़ेगा। जब किसी को भी एड्रेस बताते हैं तो कंप्लीट एड्रेस बताते हैं, अधूरा एड्रेस तो नहीं बताते। इसी तरीके से सेम यही सिनेरियो बेटा इलेक्ट्रॉन में भी होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी शेल होता है, सॉरी एटम में भी एक शेल होता है जो कि समझ लो इलेक्ट्रॉन के लिए शहर जैसा है। फिर उस शेल में सब शेल होता है कि उस शहर के अंदर कुछ मोहल्ले होते हैं ना जिसमें आपका घर होता है, तो वो जो सबशेल होता है ना वो उस मोहल्ले जैसा काम करता है, और इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल वही काम करता है जो आपके और मेरे लिए आपका घर करता है,
यानी कि अगर आज मैं अब एक एटम ड्रॉ करूं आपके सामने, तो एटम को ड्रॉ करते वक्त मैं ये कहूंगा कि भाई अगर ये एटम का फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये एटम का पहला शेल, ये उस एटम का दूसरा शेल, ये उस एटम का तीसरा शेल, ये उस एटम का चौथा शेल। अब इस पहले शेल में एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक घर है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। सेम इसी तरीके से ये दूसरा शेल, इसमें एक मोहल्ला है, इस मोहल्ले में एक घर है, इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, इसमें एक नहीं इसमें दो मोहल्ले होते हैं, दूसरे मोहल्ले में तीन घर होते हैं, Px, Py, Pz। भाई माइक पे क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग, क्या हो गया, मुंह को जंग लग गया तुम लोग? बेटा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऑर्बिटल में डिसाइड नहीं हुई है हफ्सा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऑर्बिटल में डिसाइड नहीं हुई है, होता तो ऑर्बिटल में ही, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अच्छा वापस आ जाते, ये तीसरा शेल है, तीसरे शेल में भाई ये एक मोहल्ला है, इसमें एक घर है, ये एक मोहल्ला है, इसमें घर है, फिर ये एक मोहल्ला है, इसमें कुछ घर है। इस तरीके से ये जो शेल है, मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको बेहतर शायद नजर आ जाए। देखो ये जो शेल है ये शहर है, ठीक है, फिर इस शहर में ये मोहल्ला है, ठीक है, और फिर इस मोहल्ले में यहाँ घर है। तो ये चीज है, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। अच्छा अब जब मैं आपने देखा कि मैंने आपको एक चीज समझाई कि ये जो जब एटम बॉन्ड बनाते हैं तो दे शेयर देयर शेल्स, ये बच्चे, ये बात हम बच्चों को 9 में बताते हैं कि बेटा दोनों एटम एक दूसरे के शेल को शेयर कर लेंगे, फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो शेयर होगा, अब चूंकि रास्ते शेयर हो चुके हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आसानी से दोनों एटम में रिवॉल्व कर लेगा। ये बात हम बच्चों को 9 में बताते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी शायद सुनी, ठीक है। लेकिन अब फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के लेवल के अंदर हम शेल की बात थोड़ी करेंगे, फर्स्ट ईयर में तो हम बच्चों को ना सबशेल बताते हैं ना ऑर्बिटल बताते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो बताते हैं ना। तो अब यही कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर आप सबशेल या फिर ऑर्बिटल के, बल्कि सबशेल नहीं सिर्फ ऑर्बिटल ही कह लो, यही कोवेलेंट बॉन्डिंग जब आप ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट से देखना शुरू हो जाते हो, तो ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट से जब इसको एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होगा ना बेटा, वो कॉन्सेप्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग का ही होगा, वही कॉन्सेप्ट होगा जो तुम 9 में और फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। बस 9 में और फर्स्ट ईयर में तुमने शेल के ऊपर बात की थी, अब तुमने ऑर्बिटल पे बात करनी है, बस इतना फर्क है, ठीक है। अच्छा अब बात को आगे लेकर चलते रहते हैं कि किस टाइप करके चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो तुमने एक चीज पढ़ी है क्या, कि एस ऑर्बिटल जो होता है, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, ये तुमने पढ़ा है, ठीक है, और स्फेरिकल शेप बना लेते हैं सर्कुलर। अच्छा तुमने ये भी पढ़ा कि पी ऑर्बिटल जो होता है, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? पी ऑर्बिटल का शेप होता है डंबेल, ठीक है। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है भाई? पी ऑर्बिटल का शेप होता है डंबेल।
सर डंबल कैसा शेप होता है? डंबल कुछ इस तरीके का शेप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जरा डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल का शेप आप लोगों ने देखा है बेटा, डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डंबल कहलाता है। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा कहलाता है? डबल डंबल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, डबल डंबल कैसा होता है समझ लो, दो डंबल्स हैं, दो डंबल्स रख लो, दो डंबल्स होंगे तो वो डबल डंबल कहलाएगा। अच्छा, एफ ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? एफ ऑर्बिटल का शेप होता है कॉम्प्लेक्स। एफ ऑर्बिटल का शेप हम ड्रॉ नहीं करते, वो काफी कॉम्प्लेक्स शेप होता है, मतलब उसमें बहुत सारे डंबल रिंग्स जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उसका शेप ड्रॉएबल नहीं, सही है। तो अब ये चीज आपके सामने आ गई है बेटा। अब जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल का शेप भी इन्वॉल्व होता है और साथ में ऑर्बिटल्स, हर ऑर्बिटल की अपनी एक खास एनर्जी होती है, वो भी इन्वॉल्व होती है। यानी कि बात आपने यहाँ पर एनर्जी की भी करनी है और शेप की भी करनी है, ठीक है। कोई सवाल अभी तक? बेटा कोई सवाल है? Okay. सर फिर F का शेप, सर F ब्लॉक का शेप फिर क्या कॉम्प्लेक्स होगा? बेटा S का शेप स्फेरिकल होता है ना, ये बताया था, ये रहा, S का शेप स्फेरिकल होता है, ये बताया था, ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, जरा इस एग्जांपल के मुताबिक मुझे जवाब दीजिए, ठीक है। कंपाउंड होता है HCl, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, और अगर क्लोरीन की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है तो इसकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 होगी। अच्छा, इन दोनों ही एटम्स को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यहाँ पे मैं, हम लिख लेते हैं, बोथ एटम्स नीड्स वन इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबिलिटी। दोनों एटम्स को स्टेबल होने के लिए जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब अगर हाइड्रोजन, आयनिक बॉन्डिंग वाले केस से बात को लेकर चलूंगा मैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पर इस गरीब के पास है, ये इस क्लोरीन को ट्रांसफर कर दे, कर तो सकता है, बचने वाली बात नहीं, ये वाले इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को ट्रांसफर कर दे तो क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके आखिरी शेल में, क्लोरीन के आखिरी शेल में जरूरत है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिल गया, कहानी खत्म हो गई, स्टेबल हो गई, ठीक है। लेकिन बेचारे इस हाइड्रोजन के साथ तो नाइंसाफी हो गई, दूसरा तो स्टेबल हो गया लेकिन इस गरीब के हालात तो और खराब हो गए ना। इसके साथ तो वही हुआ कुछ जो मैं अगर एक एग्जांपल आपको दूं, थोड़ी गंदी सी है लेकिन समझ लेना, कि आप किसी बर्फीले पहाड़े पर हो, ठीक है, आप किसी बर्फीली पहाड़ पर हो और आपके पास गर्म कपड़े ना हो, गलती से आप वहां फंस गए हो, गर्म कपड़े भी नहीं है, ठीक है, और रात में किसी तरह आग वाग जलाकर आप सो जाएं, और रात में कोई आए और आकर जो पतली सी टी शर्ट और ट्राउजर पहनकर आप उस बर्फीले पहाड़ पर फंसे थे नींद की हुनूदगी में, वो भी कोई उतार कर ले जाए तो हालात बड़े खराब हो जाएंगे। पहले आप अनस्टेबल थे क्योंकि आपके पास जैकेट अपर स्वेटर नहीं था, गर्म कपड़े खुद को गर्म रखने के लिए उस बर्फीली पहाड़ पर। अब मसला ये है कि आपके पास कपड़े ही नहीं है अपने आप को इज्जतदार साबित करने के लिए, यानी कि पहले आप सिर्फ गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से अनस्टेबल थे, अब आप सर्दी और इज्जत दोनों की वजह से अनस्टेबल हो चुके। तो इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर क्लोरीन देने का मामला भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपको, आपने दे दिया उठाकर, तो आप पहले ही वो, एक और मुहावरा अक्सर स्लैंग लैंग्वेज में लड़कों को मैंने बोलते सुना है कि नंगे से चड्डी मांगना, तो
आपने अपनी चट्टी तो उतार कर दे दी, लेकिन फिर उसके बाद आप समझ गए होंगे आगे की बात बोलने से, इसलिए ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, सही है ना। चलो अच्छा, तो फिर होगा क्या, होगा ये कि भाई इन दोनों के दरमियान, दोनों एटम्स के दरमियान मुखमुखा हो जाएगा। हाइड्रोजन साहब कहेंगे कि भाई देख मैं तुझे दे तो नहीं सकता, अलबत्ता तेरी मदद जरूर कर सकता हूँ, तो एक काम कर अपने एटम को, अपने इलेक्ट्रॉन को जो आखिरी वाला अनपेयर है उसको तू मेरे साथ शेयर कर दे। ये भी बोलेगा यार मुनासिब है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, चल कम से कम इसके साथ शेयर करने पर ये तो होगा कि मुझे कोई आसरा मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर लिए, शेल भी शेयर हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये रिवॉल्व कर रहा है दोनों जगह। सवाल अभी तक सवाल पर नहीं पहुंचा, अब सवाल पर आ रहा हूँ। एक बात बताओ, हाइड्रोजन का आखिरी शेल है, आखिरी ऑर्बिटल जो आपको नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है एस, और क्लोरीन का जो आखिरी ऑर्बिटल नजर आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है पी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एस और पी ऑर्बिटल दो अलग अलग एटम्स के, दोनों की शेप और एनर्जी ये दो चीजें एक जैसी हो सकती हैं या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं, नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा, जब दोनों के शेप और एनर्जी सेम नहीं हो सकते तो क्या ये दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम्स में आ जा सकते हैं? भाई बोहर के थ्योरी में लास्ट ईयर आपने ये चीज पढ़ी होगी, जैसे अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, बोहर की थ्योरी में आपने लास्ट ईयर ये चीज पढ़ी होगी कि अगर ये न्यूक्लियस है सर, वो एनर्जी चेंजेस वाली बात जो होती थी, एनर्जी चेंज वाली बात, तो ऊपर हाथ सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ये दो शेल्स हैं, मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, इस शेल से अगर इसको ऊपर वाले शेल में जाना है, इस शेल की एनर्जी है 40 और नीचे वाले शेल की एनर्जी है 20, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर जाएगा। अच्छा, जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इसको 20 की एनर्जी देनी पड़ेगी, सही है, तभी ये वहाँ जा सकता है दूसरे ऊपर वाले शेल में। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो 10 की, क्या ये ऊपर जाएगा? जल्दी बताओ। नहीं है तो क्या इन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो सकते हैं, क्या इन दोनों एटम के शेल इवन आपस में शेयर हो सकते हैं, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स में बराबरी से टहल सकते हैं? तो आपका जवाब यकीनन होना चाहिए सर नहीं। यही है जवाब? अगर किसी का नहीं है तो मुझे बता दो, मैं मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। बोलो, बेटा आवाज आ रही है मेरी? क्या हो गया, तुम लोग भंग भंग पी गए हो क्या? ये तो सही है, लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनर्जी चेंज, एनर्जी डिफरेंट होने के बावजूद भी ये कर सकते हैं एक तरह से। नहीं, हम यही पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एनर्जी डिफरेंट होने के बावजूद ये कर सकते हैं, मैं तो एक ऑब्जेक्शन बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ये कहता कि एनर्जी डिफरेंस होने के बावजूद ये कर सकते हैं, तो मैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ा ही नहीं रहा होता ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, और कौन से न्यू ऑर्बिटल्स? जिनकी एनर्जी सेम हो, जिनका शेप भी सेम हो। तो ये बात मैं कर क्यों रहा हूं, मैं तो असल में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे आ जाता हूं, हेडिंग डाल दूं। Hybridization of methane. ठीक है, मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन, मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4, सही है।
हाइब्रिडाइजेशन हमेशा याद रखना, एक पहला की पॉइंट लिख रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ऑर्बिटल्स बनते हैं। कैसे ऑर्बिटल्स? सेम एनर्जी और सेम शेप के, ठीक है, ऑर्बिटल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल्स यहां पर बनते हैं। अच्छा, ये बात तो एक आपके याद रखने की होगी। दूसरी बात क्या रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है वो हमेशा सेंट्रल एटम के अराउंड देखी जाती है। अब ये सेंट्रल एटम क्या होता है? CH4 में सेंट्रल एटम है C, ठीक है ना, जिसके अराउंड बाकी एटम्स बॉन्डेड होते हैं उसको कहते हैं सेंट्रल एटम, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब ये हाइब्रिडाइजेशन हो किस तरीके से रही है, अब इस पूरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, सबसे पहले हमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करनी होती है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कार्बन के आखिरी शेल की बात करूं तो एक ये ऑर्बिटल है और पी में हमें पता है कि तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें मुझे दो इलेक्ट्रॉन नजर आए ना, 2s2 है, मैं दो एटम्स ड्रॉ कर लूं, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे मजा नहीं आ रहा, तो फिर कैसे मजा आता है? रूट्स, हाँ भाई। अच्छा, ये जो नीचे वाला है इसमें देखो PX PY और PZ, ये तीन है। अच्छा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है? अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल दोनों इलेक्ट्रॉन्स अकेले अकेले ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अकेले अकेले ऑर्बिटल में होने का मतलब इसको ऐसे समझ लो कि अगर कभी गलती से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने का आप लोगों का इत्तेफाक हुआ हो, कि मैंने अपनी लाइफ में बड़ा सफर किया है, तो अमूमी तौर पर कोशिश होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कि हम बैठते हैं ना जब, तो हम बस में चढ़कर ये देखते हैं कि सीट खाली कौन सी है। बस में सीट्स के पेयर होते हैं, यानी दो दो लोगों के बैठने की जगह होती है। अगर बस में कोई ऐसी जगह खाली हो जिसमें दोनों सीट खाली हों और एक सीट ऐसी खाली हो जिसमें एक बंदा बैठा हुआ हो उसके बराबर की जगह खाली हो, तो हम हमेशा, इंसान की साइकी है वो कोशिश करता है कि वो अकेले वाली सीट पे बैठे जब तक मजबूरी ना हो। तो हुंड्स रूल भी यही बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास खाली जगह है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ऑर्बिटल्स खाली पड़े, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आने की जगह होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इस तरीके से, जैसे यहाँ पर डबल हुआ है ना, डबल नहीं करते बल्कि अलग अलग जाने की करते हैं, इसलिए ये डबल नहीं हुआ, सही है। अच्छा, अब अगर इस रिस्पेक्ट में कार्बन बॉन्डिंग करेगा, याद रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बॉन्डिंग में वही इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बॉन्डिंग में वही इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं। मेरी बात याद रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं और कोई हिस्सा नहीं लेता। उस एतबार से जरा मुझे बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले सकते हैं बॉन्डिंग में? दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अच्छा, जब दो इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले सकते हैं तो इसका मतलब शेयरिंग भी दो ही इलेक्ट्रॉन की होगी, यानी कि अगर मैं यहाँ से ये PX PY को हटा दूं, ये हटाओ, इसको हटा दूं अगर मैं यहां से, तो
इस वाले पी एक्स के साथ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई और जेड, इस वाले के साथ एक हाइड्रोजन का एटम आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन का एटम आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया। याद रखनी है एक बात और, देखो बातें जो याद रखने की आ रही हूँ मैं साइड में नोट करता जा रहा हूँ कि एटम्स कब स्टेबल होते हैं। एटम्स गेट स्टेबल व्हेन दे हैव एट इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। जब उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो स्टेबल हो जाते हैं, सही है। अच्छा, अब जरा इस कार्बन की हालात के ऊपर तो नजर डालें कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए कि नहीं। दो इलेक्ट्रॉन इसमें एस के हैं, दो इधर, ये रे पी के, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में थे। अच्छा, अब दो इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन की तरफ से मिल गए तो 4+2 कितने होते हैं, 6। क्या ये एटम स्टेबल हुआ कार्बन, हाँ या नहीं, क्या लगता है आप लोगों को? नहीं सर। नो सर। तो ये एटम स्टिल अनस्टेबल है, ये एटम स्टिल अनस्टेबल है। अब कार्बन जाएगा, क्या कह रही हो बेटे? सर ये वाली बात जो भी आपने बताई है दोबारा बता दें। चलो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। देखो मैंने ये कहा, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले कार्बन की यहाँ पर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। जब कॉन्फ़िगरेशन की तो कार्बन के आखिरी शेल में 2s2 2p2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, तो इस वाले स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो है पी में, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, सही है। अच्छा, अब जब ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेंगे, हमने मान लिया हाइड्रोजन के साथ जुड़े, तो एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। हमें ये बात पता है कि एटम स्टेबल कब होता है, जब एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, हमें ये बात पता है, सही है। अब यहाँ पर टोटल आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे, दो इलेक्ट्रॉन एस में और दो इलेक्ट्रॉन इस पी में थे पहले, ये वाले पी में थे दो इलेक्ट्रॉन पहले। अब दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से मिल गए, तो ये दो, वो दो और वो दो, कुल मिला के कितने हो गए, 6 हो गए, सही है। अब मैंने जैसा कि बताया एटम स्टेबल होता है 8 इलेक्ट्रॉन पे, और यहाँ कितने हुए, यहाँ हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन पे कार्बन स्टेबल हुआ, हाँ या नहीं? नो सर। नहीं हुआ ना। अच्छा चलो, जब 6 इलेक्ट्रॉन पे कार्बन स्टेबल नहीं हुआ तो सर कार्बन के फिर बॉन्ड बनाने का क्या फायदा हुआ, सवाल ये आएगा। मैं तो सवाल ये करूंगा कि भाई कार्बन, हम तो ये समझते हैं कि कोई भी चीज बॉन्ड तब बनाती है जब उसे स्टेबल होना होता है, जब यहाँ पे ये स्टेबिलिटी नहीं आई तो बॉन्ड बनाने का क्या फायदा हुआ। असल में यहाँ पर हम एक चीज मिस कर रहे थे, कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वो क्या होती है वो भी देख लो, 1s2 2s1 और ठीक है। अच्छा, ये है इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट, कार्बन की सॉरी एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब जरा एक्साइटेड स्टेट को खोलकर जरा तफसीलत जरा देखें, तो एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है, पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और होम्स रूल के मुताबिक तीनों इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले ऑर्बिट में होंगे। अब 4 अनपेयर है तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, एक ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, एक ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, एक ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, एक ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन में पहले से थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन से मिल गए, तो ये 4 और ये 4 शेयरिंग हो रही, ट्रांसफर नहीं हो रहा। हाइड्रोजन से मिलने का मतलब को ये नहीं समझ लेना सर कह रहे ट्रांसफर हो रहा है, नहीं बेटा शेयरिंग को ही कह रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 4 इलेक्ट्रॉन मजीद मिल गए, अब कितने हो गई काउंटिंग, 8 हो गई, 8 हो गई ना, एटम स्टेबल भी हो गया। यस सर।
ये जो सारी मैंने कहानी समझाई है, मैंने सिर्फ इसलिए समझाई कि मैं आपको ये समझा सकूं कि कार्बन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्यों आता है। हम बच्चों को टीचर्स अक्सर ये समझा देते हैं कि बेटा कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा वो एक्साइटेड स्टेट में आकर बनाएगा, वो कभी ये नहीं बताते कि एक्साइटेड स्टेट में कार्बन आएगा तो आएगा क्यों, क्या वजह है भाई, क्यों ला रहे हो कार्बन को, जब पूरी दुनिया ग्राउंड स्टेट के अंदर बना लेती है बॉन्ड तो इसके अंदर कोई अलग से चूल आई है जो ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो भाई ये चूल थी जिसकी वजह से इसको एक्साइटेड स्टेट में जाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा तो इसके 8 बॉन्ड नहीं बन पाएंगे, इसके सिर्फ 6 ही, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसके 6 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये वजह है कि इसका एक्साइटेड स्टेट में जाना जरूरी है। बात मेरी समझ में आई बेटा? जी सर, कार्बन को किसी भी चीज के साथ अगर मॉलिक्यूल या कोई बनाना हो तो उसको हमेशा एक्साइटेड स्टेट पे जाना होता है। जी बेटा, 99.99% जर्म्स की तरह, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब इसी वजह से ग्राउंड स्टेट की जरूरत पड़ी, आपका सवाल यही था मेरे ख्याल से, एंड आई होप कि मैंने आपके जवाब को क्लियर किया हो। तो हम आ गए एक्साइटेड स्टेट की तरफ, और अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन इसलिए आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं मजीद हाइब्रिडाइजेशन की तरफ अगर थोड़ी सी बातें और करूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि कार्बन का कौन कौन सा ऑर्बिटल हिस्सा ले रहा है बॉन्डिंग में? एस और पी। और हाइड्रोजन का कौन सा एटम ऑर्बिटल हिस्सा लेगा? हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन इज 1s1, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन का कौन ले रहा है? एस ले रहा है, सही हो गया। अच्छा, कार्बन का एस भी ले रहा है, पी भी ले रहा है। अच्छा, पी में एक्स भी ले रहा है, वाई भी ले रहा है और जेड भी ले रहा है, तीनों पी ले रहे हैं, सही है ना? तो कार्बन का एस ऑर्बिटल ऐसा, पी का एक्स ऑर्बिटल ऐसा, पी का वाई ऑर्बिटल ऐसा, पी का जेड ऑर्बिटल ऐसा। ये आ गया आपके पास एस ऑर्बिटल, इसको आपने कह दिया पी एक्स, इसको आपने कह दिया पी वाई, और इसको आपने कह दिया पी जेड। अच्छा, इनको ओवरऑल या कंबाइन मैनर में इनको क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड इनको हमने कह दिया अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब जब इनको पता चला कि इन्होंने कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है, सो दे नीड्स टू बी हाइब्रिडाइज्ड, उनको हाइब्रिडाइज होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की खसूसियात के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है वो अनइक्वल एनर्जी रखते हैं और इनके अंदर डिफरेंट शेप्स होते हैं। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की पहचान है कि शेप्स भी अलग अलग होंगे और एनर्जी भी अनइक्वल होगी। अच्छा, अब जब ये चारों ऑर्बिटल्स यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा भाई? हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी सेम होनी चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए। सेम एनर्जी होनी चाहिए, सेम शेप होने चाहिए। मैंने बेटा गुब्बारे नहीं बनाए, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑर्बिटल्स बना दूंगा, ठीक है। अब ये चारों शेप देखो, पहले तो तुम फिर भी बता सकते थे इसमें से एस कौन है, पी एक्स कौन है, पी वाई कौन है, पी जेड कौन है। मेरे ख्याल से अब देखकर, वैसे तो मेरी ड्राइंग इतनी खराब है कि मैं अगर साफ सुथरा भी बनाता तब भी कोई नहीं पहचान पाता, लेकिन फिर भी अब तुम लोग ये देखकर नहीं बता सकते कि इसमें से एस कौन है, पी कौन है और वाई कौन है, पी का वाई कौन है, पी का जेड कौन है। तो दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिडाइज हो चुके हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की क्या खसूसियात हैं? ये सेम एनर्जी और
सेम शेप होते हैं, शेप से तो सेम नजर ही आ रहे होंगे, जब शेप सेम है तो ऑब्वियसली एनर्जी भी सेम होगी। अच्छा अब ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं ये किस तरीके से जुड़ते हैं, ये बड़ा मार्का है कि मीथेन का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे तमीज से इज्जतदार बना लूं इस नए पेन के साथ। ये कार्बन के चारों ऑर्बिटल्स आ गए जो हाइब्रिडाइज हो चुके हैं, ठीक है। अब कार्बन के अभी आपने ऊपर यहां पर देखा जरा कि कार्बन के हर ऑर्बिटल के साथ एक एक हाइड्रोजन का एटम जुड़ा है, ठीक है। तो कार्बन के हर ऑर्बिटल के साथ एक एक हाइड्रोजन का एटम भी जोड़ दूं, ऑर्बिटल जुड़ गए, ये वाला हिस्सा है बॉन्डेड शेयर्ड हिस्सा, शेयर्ड हिस्सा ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड, ठीक है। इसे कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जो इनके दरमियान ऑर्बिटल्स के जुड़ने के बाद जो इनका शेप बनता है वो शेप कहलाता है, इस शेप को क्या कहते हैं, क्या नाम है जल्दी बताओ, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इन दोनों इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल्स हैं, यानी कि यहां से यहां तक का जो बॉन्ड एंगल है, ये एंगल होता है 109.5 डिग्रीज, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है इसके अंदर वो 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट्स होती है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा इसे sp3 क्यों कहा जाता है, sp3 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन का एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल जुड़े हुए होते हैं, तो अगर इस तरीके का केस है तो sp3, अगर एक s दो p हो तो sp2, अगर एक s और एक p हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन। जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था उसमें आप लोगों ने ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन की जो हेडिंग मैंने बताई ना, इस हेडिंग से लेकर इस तरीके से ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बताना था, ऑर्बिटल्स बताने थे, बताने के बाद एक एरो बताना था कि अभी ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज हैं, किसी भी तरह से ये हाइब्रिडाइज हो गए, हाइब्रिडाइज होने के बाद ये हाइड्रोजन से जुड़ने के काबिल बन गए। अच्छा अब देखो सिर्फ ऐसा नहीं है हाइब्रिडाइज ये क्यों हुए, सवाल करेंगे कि सर ये क्यों हुए हाइब्रिडाइज, क्योंकि बेटा इन ऑर्बिटल्स की जो शेप और एनर्जी थी ना वो कभी भी हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होगा वो हाइड्रोजन का जो एटम होगा ना, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं वो हाइड्रोजन का यहां पर कौन हिस्सा लेता है, हाइड्रोजन का एस हिस्सा लेता है जिसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। हाइड्रोजन का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो बेटा ये कभी भी हाइड्रोजन का शेप इसके जैसा शेप या एनर्जी हाइड्रोजन के ऑर्बिटल की कार्बन जैसी नहीं होगी, जब हाइब्रिडाइजेशन हुई तो वो सिर्फ कार्बन की नहीं होगी बल्कि हाइड्रोजन की भी होगी, तो हाइड्रोजन का भी जो ऑर्बिटल होगा वो भी इसी तरीके से, तो यहाँ पर अगर एक सिर्फ एक अंदिया दे रहा हूं कि प्लस करके मैं बना लूं, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल भी होगा, ठीक है, जो सेम शेप सेम एनर्जी का होगा, बनाते नहीं है लेकिन होगा, ये मैं जस्ट ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो स्फेरिकल होता है ये शेप में, थोड़ा सा सही से ठीक है, हाइड्रोजन का भी स्फेरिकल होता है, ये चीज है। तो आप लोगों को बेसिकली ये बताना था, इसे कहते हैं बेटा हम हाइब्रिडाइजेशन। और जिन बच्चों का, मुझे कुछ बच्चों ने ये कहा था कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में इस टॉपिक को पढ़ा नहीं था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी नहीं थी, बेटा यही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन को समझना है, बेसिकली आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन समझा दी, यही सेम टॉपिक फर्स्ट ईयर में भी होता है, बस इससे पहले कुछ और चुटकुले होते हैं एस एस बी पी वाले, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अभी जब फर्स्ट ईयर के अंदर वो चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, अगर आप लोगों का दिल हो तो देख लीजिएगा, आप लोगों को वो भी नॉलेज आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये अभी मैंने सेकंड ईयर का टॉपिक नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर पढ़ाया आज। जी बेटे बोलिए। सर अभी जो आपने हाइब्रिडाइज जो आपने स्ट्रक्चर बनाया टेट्राहेड्रल, उसमें आपने डंबल चार बनाया है, मतलब डंबल का जो एक हिस्सा होता है वो चार चार बनाया है ना? जी बेटा चार बनाया। तो सर पी जो है पी एक्स पी वाई पी जेड ये तो तीन है, तो फिर चौथा कहाँ से आया बेटा? चौथा जो ये तुम्हें बेटा ये डबल डंबल नहीं बनाया मैंने। देखो डंबल और इस वाले में फर्क क्या होता है मैं ड्रॉ करके बता दूं, कुछ शायद बेटर होगा मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पे मैं अलग से इसको बनाऊं, जो डंबल होता है ना उसके दोनों तरफ के डंबल्स ना इक्वल होते हैं, कोशिश करते हैं हम बनाने की, हाथ से बना तो नहीं पाते। और ये जो हाइब्रिडाइज मैंने बनाया ना, इसमें मैंने एक लूप बड़ा रखा है और दूसरे लूप को छोटा किया, तभी मैंने कहा था ना कि बेटा इसको गुब्बारा मत समझ लेना, वो मैंने इसीलिए कहा। जब ये हाइब्रिडाइज होते हैं तो वो हाइब्रिडाइज होकर शेप और एनर्जी एक जैसी कर लेते हैं, सही है, चाहे वो स्फेरिकल हो या डंबल हो। अच्छा अब सर डंबल ही क्यों बना रहे हैं, आपको कैसे पता कि शेप यही होता है? बेटा मुझे ऐसे पता है कि जब इनके हम स्ट्रक्चर्स निकालते हैं ना आजकल की बहुत हाईटेक माइक्रोस्कोप और हाईटेक पावर या हाईटेक चीजों से, तो हमें पता ही चलता है कि इनके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किसी हद तक ऐसे होते हैं, लेकिन 100% ऐसे नहीं होते, क्योंकि ऑर्बिटल्स का शेप देखने में हम थोड़ा नाकाम है, क्योंकि ऑर्बिटल्स नजर नहीं आते बेसिकली। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है ना, जैसे ये जो हम कहते हैं कि यार ये जो एटम है, जो ये जो शेल है, ये 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 डबल डंबल है, हम डबल डंबल इसको, हमें ऑर्बिटल थोड़ी नजर आता है यहाँ पे, अगर हम देखने की कोशिश भी करें ना तो हमें सिर्फ ये नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे पैटर्न पे घूम रहा है, हमें इलेक्ट्रॉन ऐसे पैटर्न पे घूमता हुआ नजर आएगा, हमें ऑर्बिटल थोड़ी नजर आएगा। हमने इस घूमने का जो पाथ है उसको नाम दे दिया ऑर्बिटल का, समझी बात है? तो शेप कोई भी हो सकता है, उसमें वो शेप वाला मसला नहीं है बेटा, शेप किसी जो हमारी बुक ने भी बनाया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की शेप को ऐसी बनाया। अब वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज और जो ऑर्बिटल हो रहा हो वो चाहे एस हो रहा हो, पी हो रहा हो, डी हो रहा हो या एफ हो रहा हो, सबकी शेप अलग अलग है, लेकिन सारे हाइब्रिडाइज होने के बाद ऐसे ही नजर आते हैं, ये हमारी बुक ने भी ऐसे ही बताया, ठीक है बेटा। सर तो ये हाइब्रिडाइज होने के बाद ये अपनी शेप इस तरीके से बना लेते हैं कि ये जो तीन है बेसिकली चार में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं? नहीं 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 नहीं, ये यही चारों अलग अलग अपनी शेप को चेंज करके एक जैसा कर लेते हैं, डिवाइड नहीं होता कोई भी ऑर्बिटल, डिवाइड नहीं होता। ये एस अपनी शक्ल को बदल के ऐसा कर लिया उसने, ये पी एक्स ने अपनी शक्ल को बदल के ऐसा कर लिया, पी वाई ने अपनी शक्ल को बदल के ऐसा कर लिया, पी जेड ने अपनी शक्ल को बदल के ऐसा कर लिया, ये अपनी शक्ल बदलते हैं, शक्ल बदलने के साथ साथ एनर्जी ऑटोमेटिकली बदल जाती है। सही है सर। ठीक है अब क्लियर है? यस सर थैंक यू। अच्छा और कोई सवाल है किसी को? जोहा सना शिजरा तो आज शायद क्लास में नहीं होगी, तुम लोगों को बात समझ में आई बेटा? नहीं सर। जी जी यस सर क्लियर है। चलो बस फिर मैं मीटिंग यही एंड कर रहा हूँ, बाकी बात इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अच्छा एक चीज और देखो, आज मैंने तुम लोगों को मीथेन सिखा दिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पैटर्न यही फॉलो करना है, आगे जब अल्केन अल्कीन आएगा ना
तो वहां पर sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन मुझे तुम लोग करके दिखाओगे, ठीक है? तो ये बस ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा हूँ, अभी वो आने में तो टाइम है, 2-3 क्लासों के बाद ही आएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात बेटा अगली क्लास में। अच्छा, इसकी PDF बनाकर ये जो लेक्चर है आज का, ये मैं अभी आप लोगों के ग्रुप पे अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।